हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिस्टर्स रेसिपी एंड लाइफ स्टाइल। आज हम बनाने चल रहे हैं कच्चे पपीते का हलवा। और ये बनाना बहुत ही इजी है, आप जब भी बनाना चाहें बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, दो कच्चे पपीते लिए मैंने। सबसे पहले इसको हम छील करके कद्दूकस कर लेते हैं। अब इसको हम कद्दूकस कर लेते हैं, ऐसे ऐसे सारा कद्दूकस कर लेंगे। ये देखिए सारे पपीते मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब चलते हैं कढ़ाई चढ़ाते हैं। ये देखिए कढ़ाई चढ़ा दिए, इसमें डाल देंगे देसी घी। गरम होने देते हैं। ये देखिए कि गरम हो गया है, इसमें डाल देंगे जो पपीता मैंने कद्दूकस किया था, इसको भून लेंगे। अब इसको ऐसे मिक्स कर देंगे पूरे घी को अच्छे से, और इसको 10 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि ये पक जाए भाप से। 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं ऐसे। गैस को एकदम सिम पे रखेंगे। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, अब इसको हम देख लेते हैं पका है अभी कि नहीं। देख सकते हैं आप कैसे इसका कलर चेंज हो गया है, काफ़ी गल चुका है ये। चेक कर लेते हैं एक बार, पक गया है अभी, आप देख सकते हैं। ये देखिए पक गया है। अब इसमें ऐड करेंगे चीनी। ये देखिए चीनी, चीनी आप जैसे खाना चाहें, अधिक मीठा पसंद करते हो तो और ले सकते हैं। मैंने एक कटोरी ली हुई है चीनी। अब इसको ऐसे चलाते रहेंगे, अच्छे से ये चीनी मेल्ट हो जाएगी। ऐसे धीरे मीडियम पे ही रखिएगा गैस को। ये देखिए चीनी, आप देख सकते हैं कैसे चीनी ये देखिए मेल्ट हो चुकी है। अब इसको चलाते रहेंगे कि ये सूख जाए। ये देख सकते हैं आप तो कितना ड्राई हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे खोया, ये होममेड खोया है हमारा। अब इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। इसको भी मिक्स कर देंगे अच्छे से। ऐसे चलाते रहेंगे, बराबर से ये मिक्स हो जाएगा। इसी में ऐड करेंगे इलायची पाउडर। इलायची पाउडर को भी ऐसे मिक्स कर देंगे। ये देखिए अच्छे से खोया मिक्स हो चुका है इसमें। अब इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। ये देखिए मैंने लिया हुआ है नारियल लिए हैं, थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ, थोड़ी सी किशमिश लिए हुए हैं, काजू लिए हुए हैं और बादाम कट कर लिए हैं। इन सबको इसमें डाल देते हैं। मिक्स कर देंगे अच्छे से। अब गैस को ऑफ कर देंगे और हलवा हमारा रेडी हो गया है। आपको हम सर्व करके दिखाते हैं इसको। ये देखिए हम आपको सर्व करते हैं इसको, दिखा थोड़ा सा इसके ऊपर से डेकोरेट कर देते हैं। थोड़ा सा ये नारियल है, किशमिश, काजू, बादाम ऐड कर देंगे सर। ये देखिए ये देखिए ये स्वादिष्ट हलवा बनके तैयार हो गया है पपीते का। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।